गुड मॉर्निंग गाइस, इट इज़ डे 4 और रोज़ की तरह आज मैं वही पहले बेड चेक करूँगा और उसके बाद मैं अपनी कॉफ़ी फिनिश करूँगा। तो लेट्स गो फॉर द वेट चेक। वेट चेक करने के बाद एज यूजुअल मेरी ब्लैक कॉफ़ी। आप ज़रूर ट्राई कीजिए सुबह सुबह, आपको एक कैफीन की तरह बूस्ट अप करने के लिए, फिर मूड अच्छा करने के लिए आप एक कर सकते। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट जिसमें है 50 ग्राम्स ऑफ ओट्स, 5-6 बादाम, 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन और पीनट बटर, जिसके मैक्रोस मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। आज हम लंच में खा रहे हैं तुवेर की दाल, तो उसे बनाने के लिए वही सेम प्रोसेस। तेल गरम हो चुका है, इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, जीरा लगभग सीख गया है, उसे हम डालेंगे प्याज। प्याज पक चुके हैं और हम डालेंगे सारे मसाले। धनिया पाउडर, थोड़ी हल्दी, थोड़ी मिर्ची और थोड़ी मिर्ची, नमक स्वाद अनुसार। लंच में मैंने लिया है तुवेर की दाल, सिंपल वाली, और इसके मैक्रोस भी मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अभी मैं थोड़ा वॉक पे निकला हूँ। जब आप फिटनेस जर्नी कर रहे होते हो तो एक वॉक करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जितना भी आपका एक्सेसिव कैलोरीज होता है उसको बर्न करने के सबसे बेस्ट तरीका है वॉकिंग या साइकिलिंग। ठीक है, तो अभी इवनिंग वॉक सबसे बेस्ट रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 हज़ार स्टेप्स चलो, ऐसा कोई
फिक्स रूल नहीं है उसके लिए, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मैं चलता हूँ, या फिर पूरे दिन का ऐसा कुछ 5 से 6 हज़ार स्टेप चलना चाहिए, जिससे क्या है कि 100 से 200 कैलोरी आप बर्न करो, जिससे आपका वेट लॉस जल्दी है वो थोड़ा इजी बने। तो वॉकिंग कर रहा हूँ मैं थोड़ा, और दिखाता हूँ बाद में कि कितना स्टेप चला हूँ। ओके बाय। Always take the step. जब तुम्हारे हाथ में कोई ज़्यादा वजन वाली चीज़ ना हो तो मैं प्रीफर करता हूँ स्टेयर्स लेना। एक्चुअली मैं 7th फ्लोर पे रहता हूँ, तो मैं 7th फ्लोर चढ़ के जाऊँगा। डिनर में मैंने लिया है 100 ग्राम ऑफ बॉइल्ड चिकन सैंडविच, जिसके मैक्रोज भी मैंने स्क्रीन पर डाले हैं, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो।